हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर स्पैन, जो कि वेक्टर कैलकुलस का एक टॉपिक रहेगा और ये एक सब टॉपिक है हमारे वेक्टर स्पेस का। तो अगर आपने हमारा वेक्टर स्पेस पे जो बेसिक वीडियो था वो नहीं देखा है तो वो पहले चेकआउट कर लीजिए हमारे चैनल के ऊपर, बाद में ये देखिएगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। चलिए तो चेकआउट करते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर स्पैन। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द स्पैन ऑफ अ सेट। तो स्पैन ऑफ अ सेट क्या रहता है, तो द स्पैन ऑफ अ सेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है वी और उस वेक्टर स्पेस के अंदर एक सेट है एस। अब अगर हमें उसे उसका स्पैन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो डेट इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। मतलब कि हमें पता है कि हमारे वी के अंदर बहुत सारे वैक्टर्स होते हैं, वी वन, वी टू, अप टू वी कैन से वी आर, तो वो सबका लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि आपने हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन के वीडियो में देखा ही होगा क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका अगर हम एक सेट बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, स्पैन ऑफ अ सेट। तो उसे डिनोट किया जाता है बॉक्स ब्रैकेट से, इसे कहते हैं स्पैन सेट एस। तो दैट इज इक्वल्स टू, वो क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, लेकिन इट इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि वो सेट रहेगा आपका K1V1 प्लस K2V2 प्लस अप टू सो ऑन KRVR, वेयर वी कैन से दैट K I बिलोंग्स टू, वेयर वी कैन से इट इज फ्रॉम R, ऑल्सो वी हैव V, तो V I बिलोंग्स टू आवर वेक्टर स्पेस V, और वो सेट का भी एक पार्ट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेट, और जो I है दैट इज फ्रॉम 1 टू अप टू R। तो ये जो सेट बना है उसे हम कहेंगे स्पैन ऑफ अ सेट एस। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या होता है स्पैन ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द स्पैन ऑफ सेट एस। तो यहाँ पे हमें सेट दिया गया है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V3। V3 का मीनिंग क्या है कि वो वी एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन 3 क्या है कि हमें यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स लेना है, एक्स, वाई और जेड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3 कोऑर्डिनेट्स का सेट बनाया गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे और इसका हम स्पैन फाइंड करेंगे। तो स्पैन कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है इट इज बॉक्स ब्रैकेट, फिर दैट इज इट इज अ सेट विच है विच कंटेन्स लीनियर कॉम्बिनेशन। उसमें क्या आएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है इट इज सेट ऑफ W, आपको पता है इसे डिनोट किया जाता है W से, वेयर W इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं K1 विद द फर्स्ट ऑर्डर पेयर प्लस K2 विद द सेकेंड वन। अब ये क्या गिवन है हमें, यहाँ पे ये वेक्टर्स ही है, मतलब यहाँ पे हमने किस फॉर्म में रख दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो अब उसे सॉल्व करेंगे सिंपली, तो डेट इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको पता है इट इज K100 प्लस K2 0 K2 0। फिर अब हमें उसे ऐड कर देना है, तो हमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K1 K2 0। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट्स वो कौन सा आया है, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब कि एक्स, वाई और जेड में सिर्फ हमारे पास एक्स और वाई आया है, तो हम उसे लिख सकते हैं इट इज एक्स वाई प्लेन। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मेन आंसर रहेगा आपका एक्स वाई प्लेन। चलिए तो अब सेकेंड सम देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है। तो क्या गिवन है, फाइंड द स्पैन ऑफ द सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस V2। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स में है, x और y में ही है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है 2, एंड प्रूव दैट 3-7 बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ s, ऑल्सो प्रूव दैट, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तो हमें पहले तो क्या फाइंड करना होगा, स्पैन ऑफ दिस सेट। तो हम लिखेंगे स्पैन ऑफ s दैट इज इक्वल्स टू, वी कैन से W, वेयर W इज इक्वल्स टू, आपको पता है कैसे लिखना है, K1 1 2 प्लस K2 0 2। अब आप उसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, प्लस K2 × 0 2K2, यह होगा आपका सेट, इज इक्वल्स टू इसका एडिशन, तो K1, 2K1 प्लस 2K2। तो ये कोई आपका ऐसा सेट आया जो कि है आपका स्पैन। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट द 3-7 बिलोंग्स टू दी वेक्टर गिवन स्पैन एस। तो अब ये हमें जो एस मिला है उसमें 3-7 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो कैसे करेंगे, इफ 3-7 बिलोंग्स टू एस देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि 3-7
इज इक्वल्स टू योर गिवन सेट, दैट इज k1 2k1 प्लस 2k2। फिर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा k1 इज इक्वल टू 3 और हमें मिलेगा 2k1 प्लस 2k2 इज इक्वल्स टू 7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 7/2। और हमारे पास k1 का वैल्यू गिवन है तो हमने फाइंड किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें मिलेगा k2 इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 3, तो दैट विल बी नथिंग बट 1/2। तो हमें k2 का वैल्यू मिल गया है और k1 का वैल्यू मिल गया है। तो हम जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशंस में करते थे कि अगर हमारे पास जो स्केलर्स है उसका वैल्यू मिलता है तो हम कह सकते हैं इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन, वैसे ही यहाँ पे आप कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू आवर स्पैन एस। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ दिस सेट। अब यहाँ पे जो सेट है वो चेंज हो गया है, तो इसका हमें क्या करना होगा, पहले स्पैन फाइंड करना होगा, फिर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास 3 7 ऑर्डर पेयर है वो इस स्पैन में नहीं आ रही है। तो चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले तो स्पैन ऑफ द गिवन सेट, तो आप लिख सकते हैं इट इज स्पैन ऑफ दिस सेट, और अगर आपको लेना है एस डैश या कुछ तो आप ले सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इज इक्वल टू। तो उसका स्पैन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं वे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नथिंग बट k1 1 2 प्लस k2 2 4। तो डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एडिशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो डेट इज नथिंग बट 2k2 प्लस 4k2। अब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा k1 प्लस 2k2 और 2k1 प्लस 4k2। अगेन हम चेक करेंगे इफ 3 7 बिलोंग्स टू दिस स्पैन, देन हम लिख सकते हैं 3 7 इज इक्वल्स टू k1 प्लस 2k2 एंड 2k1 प्लस 4k2। तो हम कंपेयर करेंगे, देयरफॉर हमें मिलेगा k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 3 और हमें यहाँ से मिलेगा k1 प्लस 4k2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा k1 प्लस 2k2 इज इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है वो कैसे हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, मतलब कि k1 प्लस 2k2 का वैल्यू 3 भी है और k1 प्लस 2k2 का वैल्यू 7/2 भी है, मतलब कि हमें इसमें से k1 और k2 की वैल्यू नहीं मिल सकती जैसे कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन में करते थे। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ 1 2 2 4। इस वीडियो को ज़रूर से कमेंट में रिव्यू कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड या किसी और टॉपिक रिलेटेड डाउट्स है तो भी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको इंजीनियरिंग टॉपिक्स रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे।